शासन प्रशासन की सख्ती और तमाम लोगों की मौत के बावजूद हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम खुशियों के मौके पर वैध और अवैध असलहों से फायरिंग करने का सिलसिला जारी है, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग लाइसेंसी असलाह से फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ने प्रकरण की जाँच इंस्पेक्टर माधव डांडा को सौंप दी है। दरअसल वायरल वीडियो माधव डांडा क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक बर्थडे पार्टी में जश्न के दौरान असलाह लिए खड़े नजर आ रहे हैं। इस मौके पर युवकों द्वारा लाइसेंसी असलाह से फायर किए गए, जिस वीडियो को गाने की मिक्सिंग के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मची रही। आपको बता दें कि एक बर्थडे पार्टी में जमा हुए कुछ रिश्तेदारों ने ही हर्ष फायरिंग की है। वायरल वीडियो में महिलाएं भी गोलियां चलाती दिख रही थी। पहले तो स्थानीय पुलिस इस मामले से अनभिज्ञता जताती रही, यह भी चर्चाएं आम हुई कि निचले स्तर पर पुलिस मामले को मैनेज करने में जुटी रही, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए अफसर सख्त हुए, जिसके बाद एसपी अतुल शर्मा ने बताया कि एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर माधव टांडा को जांच दी गई है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, उसी के आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, माधव टांडा क्षेत्र में ये एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसको जिसमें कि एक व्यक्ति हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को तत्काल संज्ञान में ले लिया है और माधव टांडा थानाध्यक्ष को इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पूरी जांच करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जाँच के बाद इसमें जो भी सच्चाई निकल के आएगी, उसके आधार पर हम लोग इसमें आज कार्रवाई करेंगे।